Namaskar, welcome to our channel, White Water Spirituality. Today we'll be talking about Shravana Nakshatra. यदि आपने देखा नहीं है हमारा पुराने वीडियोस जो है अश्विनी और पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में उसको जरूर देखें। श्रवण नक्षत्र के बारे में ये बताना चाहूंगा कि यदि आप इस नक्षत्र के हैं तो आपके लिए क्या क्या अच्छा है, आपकी किस प्रकार की कमियां हैं और क्या आपको करना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। यदि आपकी पत्नी यदि आप प्रेम करते हैं वो श्रवण नक्षत्र की है, आपका बॉस श्रवण नक्षत्र का है, या जो भी आपका दोस्त भी हो किसी के बारे में जानना चाहते हैं, यदि आप जानते हैं कि उसका नक्षत्र क्या है तो उसके बारे में आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। उसको बिना बताए या वो आपको नहीं बताए तब भी उसके बारे में आप जान सकते हैं। श्रवण नक्षत्र का मतलब यह है कि श्रवण का मतलब है हियरिंग, लिसनिंग। श्रवण नक्षत्र वाले आर गुड लिसनर्स, लेकिन अच्छा वक्ता नहीं होते, दे आर नॉट गुड स्पीकर्स बिकॉज दे कैन नॉट स्पीक ऑफ व्हाट दे वांट टू रियली से। इनकी सोचने में तो क्लैरिटी हो सकती है लेकिन बोलने में क्लैरिटी नहीं होती है, ठीक से समझा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति जो है सुनने में ज्यादा लगती है तो बोलने में शक्ति कम हो जाती है, ये इम्बैलेंस रहता है। श्रवण नक्षत्र का जो लॉर्ड होता है वो होता है चंद्रमा मून, सो दिस काइंड ऑफ पीपल आर वेरी कंपैशनेट, बहुत दयालु प्रवृत्ति का होते हैं जो कि इनको समस्या में डाल देता है। रस्ते में जा रहे हो, कोई छोटा कुत्ते का पिल्ला भी पड़ा हुआ हो, कहीं कोई गरीब आदमी बैठा हुआ हो, जहां भी इनको दिखाई पड़ती है गरीबी या दुख या बीमारी तो ये बहुत व्यथा में आ जाते हैं, दे गेट लॉट ऑफ पेन। तो जो अनुकंपा होती है, जो दया होती है, करुणा होती है इनके दिल में, कभी कभी इनके लिए ऐसे सिद्ध हो जाते हैं कि इनको डिप्रेशन में डाल देती है। तो ये कहीं भी कटु शब्द का मतलब हार्श वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जबकि कभी कभी जरूरत हो जाती है जिंदगी में कि ऐसा कुछ आदि हार्श वर्ड बोले या तरीके से बात करे कि जो लगे कि एग्रेसिव हो, लेकिन ये एग्रेसिव होते नहीं है, वेरी वेरी काइंड काइंड ऑफ पीपल दे आर। इनके जो लॉर्ड होते हैं यदि उनको परेशानी होती हो तो श्रवण नक्षत्र वालों को पूजा करनी चाहिए देवता के रूप में विष्णु को, और मां के रूप में करना चाहते हो तो पार्वती करना चाहिए। इनके लिए शुभ नंबर होता है 2 नंबर इज वेरी लकी फॉर देम। लाइट ब्लू कलर का कपड़ा पहनेंगे तो इनके लिए बहुत शुभ होगा। ये तो हुआ लड़कों के बारे में, पुरुष के बारे में। स्त्री कैसी होती है, जो स्त्री होती है श्रवण नक्षत्र की, लड़कियां जो होती है श्रवण नक्षत्र की, वो भी दयालु होती है, चैरिटेबल वर्क में विश्वास करती है, काम भी करती है, लेकिन ये जरूर दिखाना चाहती है कि कहां कहां चैरिटेबल वर्क कर रही है बताना नहीं भूलती है। ये थोड़ी परफेक्शनिस्ट होती है, तो परफेक्शन में बिलीव करती है और खुद परफेक्शन में काम करती भी है, लेकिन ये दूसरों से भी उम्मीद करती है कि वो भी इस प्रकार से परफेक्शन में काम करे, जो कि संभव नहीं होता है, और इसी कारण से इनका लोगों से मतभेद भी हो जाता है। तो मोटा मोटी देखा जाए तो पुरुष हो या स्त्री हो, लड़का हो या लड़की हो, श्रवण नक्षत्र के दयालु होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं, क्योंकि देवगण के भी होते हैं। देवगण के इंसान जो होते हैं ये रिवेंजफुल नहीं होते हैं, डिलीवर टू द गॉड टू टेक केयर, जो उनको दुश्मनी उनसे निभाता है या बड़ा बुरा कहता है उनको। तो क्योंकि बोल नहीं पाते, जैसे बताया मैंने, ये कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये बहुत तिकड़े में नहीं होते हैं, फिर डिप्लोमेटिक नहीं होते हैं, तो बिजनेस वगैरह में देखा गया है कि ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अच्छी तरह बोल नहीं पाते हैं, उसके बाद में बहुत दया से भरे हुए होते हैं, तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन के आज के जमाने में इनको थोड़ा सा नुकसान रहता है। अधिक जानकारी के लिए यदि आपका नक्षत्र श्रवण हो, आपका पति है, बेटा है, बेटी है, जो भी घर में कोई है, वो जानकारी चाहते हैं और क्या क्या निदान कर सकते हैं, क्या क्या समस्याएं श्रवण नक्षत्र वालों को आता है, उससे किस प्रकार से बचा जाए, तो हमारे वेबसाइट को लॉगिन करें www.whitelotusspirituality.com। मैं संतोष शर्मा, नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को लॉगिन करें www.whitelotusspirituality.com। संपर्क साधने के लिए वेबसाइट में सभी लिंक दिए गए हैं। ये वीडियो को आप लाइक करते हैं तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, वाइल्ड स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक। नमस्कार, खुश रहें।